दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज सुबह नहा धो के तैयार हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी दर्शन के लिए जाएंगे मंदिर के अंदर। ये पीछे कपिल भाई है, फोन में लगे हुए हैं। कपिले केदारनाथ आ गए हम लोग, अभी दर्शन करने जा रहे बाबा जी। दो दिन हो लिए क्या नाम लेते, रात को काफी कष्ट के साथ चढ़े थे हम लोग। दो चढ़े कष्ट के साथ, किसकी बताड़ दिया तू कपिले? गाइस अभी ये इधर सबको ये पहाड़िया दिखाओ बाबा की, ये कृपा से बनी हुई है। ये पहाड़ी 8 साल बनती है, लंबी होती है। और सुबह सुबह आप लोग देख सकते हो हेवन, जिसको स्वर्ग बोलते केदारनाथ का ग्लेशियर। यहाँ से ठंडी हवाएं आती है स्वर्ग की। और यहाँ पे सुबह सुबह पानी पैसों में मिलता है, एक बाल्टी पानी 100 रुपये में मिलता है नहाने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए गरम। मेन मंदिर में जाते समय रास्ते में एक छोटा मंदिर भी आता, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी ने आशीर्वाद लिया। देन उसके बाद फिर हम आगे निकल गए मेन मंदिर के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जन्नत और आप लोग इस लाइन से आइडिया लगा सकते हो कि कितने घंटों की वेटिंग करनी पड़ती है दर्शन के लिए। ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर लंबी लाइन होती है, जो कि बंदों का नंबर 5-5, 6-6 घंटों में आता है। और ये इतनी लंबी लाइन को काटते हुए हमारे बाबा हमें सीधा बुला रहे हैं। और हम आगे हाँ भाई, दर्शन करने वालों की लाइन कभी कभार बेस कैंप तक चली जाती है, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये घंटों तक वेट करते हैं दर्शन करने के लिए। और इन्हीं के साथ साथ ये साथ में बाजार लगा हुआ, अगर किसी को सामान खरीदना है, कंगन अंगूठी कड़े सब यहाँ पे मिलते हैं, बट बहुत महंगे मिलते हैं। और आप सामने बिल्कुल देख सकते हो हमारे मंदिर, आप लोगों को दिख रहा होगा, और उसके पीछे स्वर्ग जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। और बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है, 1 से 2 दिन हो गए हैं, बट अभी यहाँ मंदिर के आसपास नहीं गिर रही है, पीछे पहाड़ों पर गिरने शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बर्फ। तो दोस्तों बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे ग्लेशियर देख सकते हो आप लोग। ये कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही भीड़ भाड़ है, ज़्यादा ही रस है इस वीकेंड पे, क्योंकि सभी की छुट्टी थी तो सभी लोग घूमने आए हुए 4-5 दिन के लिए। जबरदस्त, फाइनली मंदिर के दर्शन करवा दिए आप सभी लोगों को मैंने, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो नज़ारा, पीछे ग्लेशियर स्वर्ग की आवाज़ जिसको बोलते हैं, पीछे से ही आती है वो, और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त नज़ारा दोस्तों। मन करता है यहाँ बैठ के इसी को देखता रहूँ। लाइफ में एक बार विजिट ज़रूर करो, ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, और वो भी पैदल आना है यात्रा करने के लिए। और जो भी बंदा मंदिर के सामने आता सबसे पहले इस घंटी को बजाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी वीडियो शूट करने का तो मन था ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसा मन कर रहा कि बस बैठ जाऊँ यहाँ पे और पीछे पहाड़ों को देखता रहूँ। एक नंबर का नज़ारा दोस्तों, ज़बरदस्त। ये आपका संदीप, बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हुए फाइनली बाबा के दर्शन इन्होंने कर लिए हैं। संदीप हर हर महादेव। ये काफ़ी रस है आज यहाँ पर हॉलीडेज की वजह से। बिलेट या
बाबा के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। काफी रश है आज यहाँ पे, तीन चार दिन बाद यहाँ आपको कुछ रश नहीं मिलेगा, भीड़ भीड़ कुछ नहीं मिलेगी। बिल्कुल मंदिर के सामने बैठ के यहाँ पे चिंता कर रहे बाबा जी। दोस्तों विराट हो चुके मंदिर के बिल्कुल सामने, आप लोग देख सकते हो। जय केदारनाथ, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, अभी हम केदारनाथ के दर्शन करके निकलेंगे बाबा बद्रीनाथ के लिए, वहाँ के भी आपको बहुत अच्छे दर्शन कराते हैं। बाबा के दर्शन कीजिए आप लोगों को मंदिर के पीछे का सीन। आप लोग जन्नत देख सकते हो, यहाँ से स्वर्ग की हवाएं आती है। आप लोग कैमरे में शायद अच्छी नहीं दिख रही होंगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये वही पत्थर जो 2013 में बाढ़ के दौरान बह के आया था और मंदिर के पीछे आके रुक गया था। लोग अभी उसे पूजने लगे, जिसको भीमशिला के नाम से जानते हैं। अब तो दोस्तों आप देख सकते हो पीछे मेरे, बिल्कुल भीमशिला साइड की तरफ मंदिर के पीछे हम ग्लेशियर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देख, कैमरा टर्न हो गया अपने आप। जहाँ से ठंडी हवाएं आती है और वहीं से 2013 में बाढ़ आई थी, जिसके चलते सब खत्म हो गया था, सिर्फ मंदिर को छोड़ के। मैं मंदिर के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ हूँ, इसके पीछे पत्थर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो 2013 में बाढ़ आई थी तब उसके चलते पत्थर यहाँ पे आके रुक गया था। इसी के चलते इस पत्थर ने पानी को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया था, जिसके चलते मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे लोग पत्थरों से अपना घर बनाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नहीं पता ब्रो, बैठे बैठे रहने दे ये भाई। केदारनाथ आ रहे हाँ,
वहाँ से अगर साहिल किस चीज किसकी आवाज आती है? सौरभ की? सौरभ की भाई तो ये देखिए, ये जन्नत देखिए, जहाँ से सौरभ से हवा आती है, यहाँ सौरभ से हवा आती है। और 2013 में बाढ़ भी वहीं से आई थी, दबाई थी तब। बाबा का जो ये मंदिर है, ये सिर्फ मंदिर मंदिर रहा था और बाकी सब यहाँ तबाह हो गया था। पत्थर था जो वो यहाँ पे आगे रुक गया था, उसने वाटर को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया था, इसलिए मंदिर बच गया था। जय केदारनाथ। दर्शन करके आ चुके हैं, वापस कैंप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की लोकल मार्केट जो कि बहुत महंगी है, 2 गुना से 3 गुना रेट में चीजें देती है। एमआरपी किसी चीज का 10 रुपये तो उसको 30-40 रुपये में देते। तो सभी को एक ही सलाह देना चाहूँगा, अपना कुछ भी खाने पीने का सामान वो लेके आओ नीचे से। ये भाई यहाँ की हेलीपैड है केदारनाथ की, अगर किसी को ट्रैक पैदल नहीं करना तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकता है। आठ से 10,000 रुपये लगते जो मैं बताया था, आने जाने का खर्चा, हेलीकॉप्टर का पर खर्चा। तो भाई शॉर्टकट लेते हुए ट्रैकिंग का, इससे काफ़ी लंबा रास्ता बच जाता हमारा। आप लोग देख सकते हो इतने ऊपर से आए हैं और यहाँ से जा रहे हैं शॉर्टकट, ये बिल्कुल वहाँ नीचे निकलेगा जहाँ आप देख सकते हो, इससे हमारे ये सारे रास्ते जो घूम के आ रहे थे सारे बच जाएंगे। ट्रैकिंग करते हुए शॉर्टकट ले रखा है, काफ़ी नीचे उतर चुके हैं। हमने वो जो पीछे रास्ता दिख रहा ना आप लोगों को, वो सारा छोड़ दिया है और हमारा रास्ते शॉर्टकट है। यहाँ से हम तकरीबन आधे घंटे के अंदर कवर कर देंगे, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता। आजा, पीछे कपिल भाई आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। अरे तेरे क्या, नहा जा, आजा भाई, आजा आजा, गलती हो, अरे वीडियो में है ना, आजा यार। नीचे उतरते टाइम बारिश शुरू हो गई थी, आप लोग देख सकते हो, रास्ता बहुत ही ख़तरनाक हो चुका था, पैर फिसलने का डर बहुत ही ज़्यादा था, पर फिर भी हम रुकने वाले कहाँ।
तो दोस्तों फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं, कपिल भाई साथ में हैं। बाबा केदारनाथ की यात्रा हमने कंप्लीट कर दी है 7 घंटे चढ़ने में और 6 घंटे उतरने में, 6 नहीं कमी लगी, 5.5 घंटे और 7 घंटे में हम ऊपर चढ़ गए थे। हालत थोड़ी ख़राब तो नहीं हुई है लेकिन पाँव दुख रहे हैं, थकावट तो होती है गाइस, पाँव बिल्कुल थक चुके हैं, अब बस गाड़ी तक जाने का वेट है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, तुंगनाथ टेम्पल एंड बद्रीनाथ। अभी बद्रीनाथ जाएंगे गाड़ी में बैठ के, थोड़ा सा कुछ खा पी के, उसके बाद मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ले भाई पार्किंग में पहुँच गए,